नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, 4-5 दिन के बाद DSSB की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ में 2 रिकॉल नोटिस भी आए हैं, जिसमें TGT का भी है। अप्रैल मई में जो एग्ज़ाम होने हैं उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो सभी की डिटेल में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा नोटिस है, वो जो एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। पोस्ट कोड है हमारे 17/21, और जूनियर क्लर्क जिसका पोस्ट कोड है 13/20। तो इन सभी के एग्ज़ाम की डेट बता देते हैं कि कब कब होना है इनके, फिर हम बताते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमारा जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो है 24 अप्रैल, दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद 30 अप्रैल को है, 1 मई को, 7 मई को, 8 मई को, उसके बाद 14 मई, 15, 17 और 18 मई को। और इनको एग्ज़ाम है आपका पर्सनल असिस्टेंट, पोस्ट कोड है 17/21, दिल्ली जल बोर्ड। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है जूनियर क्लर्क, पोस्ट कोड है 13/20, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इनका एग्ज़ाम 18 मई, 19, 20, 21, 22, उसके बाद 29 मई, और उसके बाद हमारा है 4 जून और 5 जून, संडे को। तीनों शिफ्टों में ही एग्ज़ाम होना है। इन सभी के जो हैं एडमिट कार्ड आ गए हैं, हम आपको बता देते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। तो जब हम DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा ई एडमिट कार्ड्स लिंक फॉर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड 17/21 और 13/20। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 रिकॉल नोटिस भी आए हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहला जो नोटिस हमारा वो है TGT उर्दू मेल, पोस्ट कोड है 52/21, और ये हमारा फर्स्ट रिकॉल नोटिस है। यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं, सामने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो दिए हुए हैं रिमार्क्स में। यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पे टोटल 23 कैंडिडेट हैं जिनको ईडोजियर अपलोड करना है, और इनको ईडोजियर के लिए टाइम मिला है 19 अप्रैल 2022 से 28 अप्रैल 2022 के बीच में। तो कल से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर दीजिए, यहाँ से चेक करके देख लेते हैं अगला नोटिस। अगला जो नोटिस हमारा वो है एलमेट, पोस्ट कोड 40/20, और ये हमारा इसका जो रिज़ल्ट है वो 6 मार्च 2022 को आया था, और ईडोजियर अपलोड करने के लिए बोला गया था। टोटल 24 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए थे ईडोजियर फिल करने के लिए 5/4/2022 से 19/4/2022। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है क्योंकि इसकी एज कम है, जो OBC D कैटेगरी में ये आते हैं। तो इनसे जो कैंडिडेट अलग रहे होंगे, जिनका एज इनसे ज़्यादा थी, उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो ये इसमें चेंज किया गया है, बाकी सब सेम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी DSSB की तरफ से आई हुई अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।